दोस्तों नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों, आज मैं आया हूँ जगीरपुर हरसाना गांव, जो पड़ता है जिला शामली में। ये देखो भाई, दीपक का ट्रंच विधि का गन्ना है। ये सारा गन्ना ट्रंच विधि का लगा रहे, और ये आज जो है इस पर रेटून मैनेजर चला रहे। ये देखो इसे कटिंग कर रहे। बढ़िया कटिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्टर है इनका। ये देखो जी, खेत की लंबाई बहुत ज़्यादा है। मैं ट्रेंच भी दी, मैं लंबाई खेत होना चाहिए, सब बढ़िया रहे। और भी देखो आएंगे फिर दोबारा। देखो जी कॉन्ट्रैक्ट 60 राटून पर चल रहा, राटून मैनेजर कटाई कटिंग कर रहा। कितने बजे कटिंग कर रहा। ये दीपक के ताऊ जी हैं, ये भी देख रहे हैं। मैं खेत में खड़े, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अपना थोड़ा परिचय दो। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। अपना नाम? चंद्रवीर। अच्छा जी, गांव? ऊना जी। अच्छा, ऊन है। यहाँ पे जमीन ले रखी जी? जी जी, हाँ जी। अच्छा, वैसे आपका गांव वैसे ऊन है, पर यहाँ पे जमीन ले रखी जगीरपुर हरसाना में। अच्छा, ये ट्रंच की खेती कर रहे जी आप? हाँ जी। सारी सारी? अच्छा, सारे साधन बना रखे ट्रंच के? हाँ जी। तो इसमें ट्रंच में कुछ ज़्यादा फायदा लगा जी? हाँ जी, बस हमारा बढ़िया उसका ठीक रह जाए, गन्ने की गिराई कम हो, बंदाई कम हो। अच्छा जी, हाँ। आप जो है छोटे किसान हैं, मैंने कहा भाई साधन होने चाहिए। हाँ, छोटे को दिक्कत है इसमें जी। कौन सा बीज बो रखा जी? जी 38 है जी सारा, ये हमारा तो ये। अच्छा, सारा 38 है जी? हाँ जी। बढ़िया आ रहा है इसका रिकॉर्ड? ठीक आ जाए, नॉर्मल बढ़िया। जैसा रोग आ रहे भाई? रोग में तो सब गई आ जाए जी, हमारा भी आ रहा और के भी आ रहा जी। अच्छा, नया बीज भी ट्राई करा इस साल? ना जी, ना तो नहीं कोई अभी, पता नहीं कब करेंगे जी। अच्छा जी, वो नहीं लिया जी। ठीक, चलो। ये भाई दीपक जो है ये चला रहा। हाँ जी, स्टार्ट कर लिया। तो काबला टूट गया था रूटन मैनेजर का। चला भाई, हाँ ये ठीक है। देखो जी, फार्म ट्रैक 60 से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना थोड़ा परिचय दियो जी। मेरा नाम रोहित चौधरी है, और हम गांव कस्बा ऊन, जिला शामली, तहसील भी ऊनी पड़ती है हमारी। अच्छा जी, और हम यहाँ जंगीरपुर हरसाना गांव है, जंगीरपुर मजरा एक, यहाँ पे हम जमीन बोते हैं।
अच्छा यहाँ पे ले रखी जी जमीन? हाँ ये यहाँ पे हमारे पे है जी करीबन 125 बीघे जमीन है जी। तो आज ये भाई कटिंग कर रहा दीपक? हाँ दीपक कटिंग कर रहा। अच्छा जी, इसका कटिंग से क्या फायदा जी? कटिंग का एक फायदा तो ये है जी, इसमें ईंट जल्दी निकलेगा, टेम्परेचर आ रहा। दूसरी बात, जो फंगस आ जाए पलकटी से काटने पे, रूटर से जो ये रूटर है इसे बिल्कुल एक सार से काट रहा जी। अब तापमान बढ़ेगा तो गन्ना जल्दी से निकलेगा ये इसमें से अंदर से, तो कुबाड़ कम होगा। फिर हम इसमें टीलर चला देंगे छोटे ट्रैक्टर का जी। छोटे ट्रैक्टर का टीलर चलाने से ये साइड की जो परत है या तोड़ देंगे हम जी, और इसे तोड़ के फिर इसमें खाद और पानी डाल के अपना तैयार। अच्छा, सारी बहती करेंगे फिर इसमें। सारी ट्रंच की कर रहे? हाँ सारी ट्रंच की है, बुआई सब ट्रंच की है आपकी? ट्रंच की बुआई है। अच्छा जी, और बीज कौन सा है जी? बीज 38 है, दो बीज थे इसमें, एक 23 है और एक 38, दो बीज थे इसके। अच्छा, आज 38 की कटिंग कर रहे हैं? हाँ 38 क्या, बस 23 की भी करेंगे, खेत खाली हो गया। ये पुली पड़ी थोड़ी सी, इन्हें उठा लेंगे थोड़ी बहुत देर में। अच्छा जी, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा ये खेत जी। जी, दीपक भाई ने कैमरे भी लगवा रखे, ये पहले किसान मिलेंगे आपको जो खेत में कैमरे लगवा रखे। हाँ जी आइए एक बार, ये कैमरे भी लगवा रखे आपने तो? हाँ जी। ये किस लिए लगवा रखे? ये इसलिए लगवा रखे, यहाँ पर लोग बाग थोड़ा बहुत नुकसान कर जाए तो इससे हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाए, अपना घर पे ही मॉनिटरिंग करूँ जहाँ। अच्छा, ये हाँ, गांव के नज़दीक खेत होगा ना? गांव के नज़दीक खेत हो गया, लोग बाग नुकसान करे तो इस वजह से जी लगवा रखे कैमरे। अच्छा जी, हाँ ये बिल्कुल, ये देखो बस्ती होगी पास में ही। हाँ तो इस वजह से कैमरे लगवा रखे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हो जाता ना तो इससे थोड़ा हमारी भी सेफ्टी है। जी जी, चलो जी, तो बहुत बड़ा काम कर रखा है, इकलौते किसान मिले भाई जो उनसे कैमरे लगवा रखे खेतों पे। देखो देखो जी, चलो जहाँ तक खेत छुल गया इसमें तो ये कटिंग कर रहे भाई, और ये कुछ आगे करने पड़े। अब इनके लिए ट्रैक्टर लेकर आने लग रहे हैं, भरेंगे और इसकी बाद में कटिंग करेंगे। ट्रैक्टर थाम दिया इन्होंने, ये देखो ट्रैक्टर आने लग रहा है, उसमें भरेंगे इसको। भाइयों, वीडियो पसंद ज़रूर आएगी आपको, सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।